जन्मभूमि टाइम्स में हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं आवाज टीवी। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। ग्राम पंचायत चाकाहेटी से सरपंच पद हेतु शिक्षित सरल सहज प्रत्याशी देवराज जी पंद्रे, इनका चुनाव चिन्ह नारियल का पेड़। इनका कहना है कि इन्होंने निरंतर 10 से 15 सालों तक अपने क्षेत्र एवं गांव के लिए विकास के लिए काम किया है। चकाहेटी रामजी टोला में सड़कों का विकास बद से बदतर है। मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि मेरे यहाँ की जनता मेरे को सफलतापूर्वक वोट देगी और सरपंच चुनाव जिताएगी, क्योंकि मैंने इन 5 सालों की बात नहीं करूँगा। कुछ सरपंच तो ऐसे होते हैं कि जो चुनाव आता है उस समय ही अपना प्रचार करते हैं और विकास की बातें करते हैं, लेकिन मैं निरंतर 10 से 15 सालों से मैं इस क्षेत्र के लिए भी और अपने गांव के लिए भी कुछ बहुत से ऐसे काम किया हूँ जो मैं आपको गिनाऊँ तो कम पड़ जाएगा। एक तो मुद्दा था, हमारे यहाँ पे नहर का पानी नहीं आता था और बहुत मतलब 15 सालों बाद भी हमारे यहाँ पे नहर का पानी नहीं आता था, लेकिन उसके लिए भी हमने यहाँ पे रेल रोको का अभियान किए थे और 2 घंटा ट्रेन रोके थे और दूसरे दिन से यहाँ पे उसका काम नहर का काम चालू हो गया। तो वो एक हमारी एक सफलता है और चाकाहेटी के लोगों ने भी अच्छा सपोर्ट किया है। उसके बाद भी हम रक्तदान के शिविर भी चलाते हैं, उसके पश्चात किसानों के खेतों में जो गन्ना होता है गन्ने की भी फसल को सुअर बहुत बर्बाद करते, उसके लिए भी हमने बहुत से आंदोलन किए हैं ऐसे। और बात करते हैं हम पंचायत के विकास की जी, तो पंचायत का विकास आप मैं कैमरामैन भाई से कहना चाहूँगा कि एक विकास इधर दिखा दे और एक विकास इधर दिखा दे और एक विकास इधर दिखा दे। आज इस हमारे ग्राम पंचायत चाकाहेटी का एक रामजी टोला गाँव है, इसका विकास आपको आपके आँखों के सामने नज़र आ रहा है। और बात करना चाहूँगा यहाँ के जो पूर्व सरपंच रहे उन सरपंचों का विकास तो नज़र ही आ रहा है। यहाँ के जो सरपंच है, इसके पूर्व में सरपंच रह चुके हमारे दो दो तीन तीन प्रत्याशी, लेकिन आज का जो वर्तमान का सरपंच है और अभी जो कार्यकाल चला रहा है, कुछ तो ऐसी जानकारी लगी है मेरे को कि जो पीएम आवास के भी जो आते हैं जो राशि आती है उसकी भी 15-15 हज़ार रुपये लिए जाते हैं। मैं तो उनका नाम शायद बता सकता हूँ, एक धनीराम क्या मनीष धनीराम भलावी, वो है नीमटोला से, जिससे सरपंच ने भी उससे 15 हज़ार रुपये लिए गए। तो आप लोग ने इसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? ऑब्जेक्शन ये अभी जब अपन क्या होता है कि हमारा जो जो लोग होते हैं ना बहुत इसकी जानकारी नहीं होती है उनको, इस वजह से वो हमारे पास भी कुछ ये जानकारी नहीं दे पाए, लेकिन जब हम इस दौर पे निकले कि अब पंचायत का है तो हर घर में जब जाके बैठते तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती कि भाई हमसे 15 हज़ार लिया गया और जो जनधन संबल योजना के अंतर्गत में जो 2 लाख रुपए मिलते हैं उससे भी 30 हज़ार रुपये लिया गया है। तो ये चीज़ें अभी आ रही है, लेकिन हम सरपंच चुनाव जीते या ना जीते लेकिन उसका उन चीज़ों का पैसा वापस होना चाहिए और ऐसे भ्रष्ट लोगों को हमारे पंचायत में बिल्कुल जगह नहीं देना चाहिए। बस ये मेरा एक मुद्दा था और मैं चाहना चाहता था कि मेरे ग्राम की जनता से और एक अच्छा एक प्रत्याशी चुने जो एक अच्छा विकास कर सके पंचायत का, ऐसे प्रत्याशी को चुनना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे को वोट दो, लेकिन आप विकास देख रहे हैं यहाँ का, इतना अच्छा विकास हुआ है, आप देख रहे हो कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे भी पानी भरता है। अभी की खबर में बस इतना ही, देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए आवाज टीवी। अपने आसपास की खबर प्रसारित करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7517560101 पर संपर्क करें, वेब पोर्टल jbtaawaz.com लॉगिन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।